मोलिनेरिया कैपिटुलाटा या पाम ग्रास भी कहते हैं इसको, ये एक पेरिनियल प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है, पूरे साल चलता है, मगर गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं तब ये प्लांट थोड़ा सा केयर या शेड मांगता है। और वैसे विंटर्स में भी बहुत जब फ्रॉस्ट पड़ता है तब आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसकी लीव्स बहुत खूबसूरत होती हैं और ये प्लीटेड टाइप की होती हैं, देखिए ऐसे प्लीटेड है ये और बहुत खूबसूरत है। अगर इसको आप शेड में रख के पूरा ग्रीन रखते हैं तो ये प्लांट बहुत प्रिटी लगता है और ये बढ़ता चला जाता है, ये ग्राउंड कवर की तरह भी यूज़ होता है। मैंने इसको एक प्लास्टिक कंटेनर रेक्टेंगुलर में लगाया हुआ है और ये काफ़ी सालों से इसी में ही है, तो इसको बार बार रिपॉट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये एक ही जगह काफ़ी दिन तक चल जाता है। पेरिनियल है तो चलेगा भी। अभी इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्लावरिंग मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती, ये बेस से इसमें हल्के येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये काफ़ी रेयर साइट होता है क्योंकि ये कंसील्ड रहते हैं, छिपे रहते हैं और ऊपर से नज़र नहीं आते, इसकी बड़ी बड़ी लीव्स इनको छुपा लेती हैं। जैसे अब ये इनमें छिप चुका है और अब आप हल्का सा इसको सबको हटाएंगे तब दिखेगा। इसकी केयर बहुत सिंपल है, इसकी केयर ये है कि जब तक टॉपले ड्राई ना हो पानी ना डालें, शेड में रखें और इसको फर्टिलाइज मैं साल में दो बार ही करती हूँ, वही एनफ हो जाता है इसके लिए। बहुत हाई फीडर प्लांट नहीं है और ये काफ़ी टफ प्लांट है इनफैक्ट, और इसकी लीव्स ऐसे ट्रेल करती हैं तो बहुत प्रिटी लगता है ये प्लांट, ज़रूर लेके आएं। ये एक खूबसूरत प्लांट जो कम केयर में आपके घर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, स्पेशली बालकनी और टेरेसेस के लिए बहुत अच्छा प्लांट है ये।